गाइस बिग बॉस के घर से बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मनारा चोपड़ा ब्रोक डाउन हुई हैं और काफी ज्यादा रोती भी नजर आई हैं। वेल रीजन क्या है इतना ज्यादा रोने का, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जो मीडिया आई थी बिग बॉस के घर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कई सारे सवाल पूछे, इनफैक्ट कई सारे इल्जाम भी लगाए, जैसे कि मीडिया ने मनारा चोपड़ा को हिपोक्रेट बोला और कुछ चीजों को हाईलाइट किया कि किस तरीके से मनारा चोपड़ा ने दूसरी जो औरतें हैं बिग बॉस के घर में उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, साथ ही उनका रोल रहा है विक्की और अंकिता के बीच कुछ ना कुछ, जो भी उनकी लड़ाई रहती है उसमें मनारा का भी कोई रोल रहा है ऐसा उनका कहना है। यहाँ तक कि उन्होंने मनारा को कहा है कि उन्होंने मुनावर फारूकी का यूज किया है यहाँ तक के पहुँचने के लिए। इस तरीके की बातें मीडिया द्वारा मनारा को जो बोली गई हैं, तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया उसके बाद मनारा चोपड़ा काफ़ी ज़्यादा रोती भी नज़र आई और ख़ुद को डिफेंड करती भी नज़र आई हैं। वेल मनारा के साथ इस वीक बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, क्योंकि पहली चीज़ तो ये ठीक है मनारा ने गलती की है, मैं ये नहीं कह रही कि मनारा ने गलती नहीं की, लेकिन मनारा ने गलती की है उसके बाद कुछ लोगों ने भी सेम गलती की और उससे ज़्यादा बुरे लेवल पर गिरे, जिनकी क्लास लगनी चाहिए थी उनको कॉल आउट नहीं किया, जैसे कि अंकिता लोखंडे, उनको कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया। और फिर यहाँ पर जो मीडिया वाले हैं वो भी मनारा को बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वो हिपोक्रेट हैं, उन्होंने दूसरों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उन्होंने मुनावर का इस्तेमाल किया यहाँ तक के पहुँचने में, विक्की अंकिता का जो भी मैटर है उसमें यहाँ पर मनारा का भी एक रोल है। वेल ये सारी चीज़ें जब कोई किसी को बोलेगा तो ऑफकोर्स बुरा तो लगेगा, लेकिन स्टे स्ट्रॉन्ग मनारा चोपड़ा, टूटना आपको नहीं है, क्योंकि अभी तक के आपने बहुत अच्छा शो में किया है। आई नो आपने भी कई सारी गलती की है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और उससे ज़्यादा बुरे लेवल पर हमने देखा है कि कुछ लोग गिरे हैं जिनको कॉल आउट नहीं किया गया। फिलहाल क्या कहना है आपका कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।